जी तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने जा रहे हैं भाई माइनक्राफ्ट। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि गाइस मैं कौन सा सर्वर में खेल रहा हूँ, तो गाइस है ये है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सर्वर दी फायर एम सी। आपको इसकी आईपी जो है मैं दे देता हूँ, play.firemc.fun। आपको लाइफ स्टील के सबसे नीचे वाले पे भी आपको नज़र आ जाएगा। और अभी आपको लग रहा होगा यार ये कंट्रोल्स थोड़े अजीब से लग रहे हैं। जी गैस, मैं पोजेब लॉन्चर पे खेल रहा हूँ, क्योंकि गैस मेरा जो है लैपटॉप वो थोड़ा लो एंड पीसी है, इसीलिए जो है ना वो बहुत लैग करता है जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैंने देखा है काफ़ी दफ़ा, लेकिन अभी तो है आपको लग रहा होगा कि नहीं है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं और देखें अभी कोई लैग भी नहीं हो रहा है। तो अभी शुरू शुरू में मेरे 11 FPS आए थे, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग थे। तो मैं RTP करता हूँ, और भाई इतनी गंदी ज़िंदगी है मेरी, बहुत गंदा मुझे स्पॉन मिलता है भाई। आइस बायोम के अंदर मुझे RTP कर दिया, बहुत गंदा ख़राब ज़िंदगी है मेरी। फिर मैं थोड़ा इधर उधर ही टहलने लग गया, कभी उधर जाता कभी इधर चल ही जा रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने कहा और गैस अभी आप चाहे कहेंगे कि यार फिर तू दोबारा से RTP कर लेगा, इसका काउंटडाउन होता है 9 मिनट का। और उसी के बाद फिर मुझे मिल गया था एक नेदर पोर्टल, तो मैं नेदर पोर्टल के अंदर मैंने कहा यार जाते हैं, उसके बाद क्या पता कोई और नेदर पोर्टल मिले जिससे मुझे कोई अच्छा स्पॉन मिल जाए। तो मैंने कहा यार नेदर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास सामान किस तरह गैस, ये मुझे स्टार्टर किट मिली है, जो अगर आप पहली बार ही आएंगे तो आपको स्टार्टर किट मिलेगी। और गैस इसके अंदर सबसे वैल्यू बल इस सर्वर के अंदर जो चीज़ है ना वो मनी है। और अभी अभी जो है मैंने ज्वाइन किया, तो अभी मेरे पास 10 हार्ट हैं। और बाकी अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो मुझे आप डिस्कॉर्ड पे DM भी कर सकते हैं। मैं अपना यूज़र नेम मतलब के ID जो है मैं बता दूंगा, आप मुझे उसके ऊपर DM कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे। बाकी अगर आपको मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है FireMC खेलने के लिए टीम YDC, तो मैं उसका भी जो है ना लिंक दे दूंगा, आप मेरी टीम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ग्राइंडर्स में होना है तो आपको मुझे DM करके कुछ बताना होगा कि आप ग्राइंडर्स बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और गाइस उसी के बाद फिर उसी के बाद गैस मुझे जो है को काफ़ी अच्छा स्पॉन मिल जाता है। मैं RTP दोबारा करता हूँ और टाइम ख़त्म हो जाता है भाई, 9 मिनट तक मैंने इंतज़ार किया। और अब जो है ना मैं वन डे मेरा इधर ही ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने ऑफलाइन रिकॉर्डिंग नहीं की, और उसके बाद मैंने नया बेस बनाया, 400 के मनी की, और 1 घंटा खेल के पूरा आयरन में कवर हुआ। और अभी आप देख रहे होंगे कि तुम्हारे वोट्स 3 किस तरह हो गए। गैस वोट करेंगे ना तो हमें क्रेट की मिलेगी और पैसे मिलेंगे, यानी कि 1 वोट करने से 1K पैसे मिलेंगे। तो मैंने वोट किया तो मुझे 4.5K मिला, बाकी मैंने शुगर केन से किया। और भाई मैंने पहले दिन पर लगाया था, लूट के ले गए, मोए मोए हो गया मेरे साथ, मेरा बेस ही लूट के चले गए। तो खैर मैं अभी फिर कर भी क्या सकता था, तो उसके बाद मैं थोड़ा मायूस हो गया, तो यार मेरा बेस लूट के चले गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो मैं काम करता हूँ, मैं फिर किट लेने की सोचता हूँ, पर सबसे पहले मैं करता हूँ यार अभी आया हूँ तो वोट भी कर लेता हूँ। तो मैं वोट करता हूँ तो मैं 2 वोट ही कर पाता हूँ, तीसरा पता नहीं क्यों नहीं होता। 3 वोट के साइट होते हैं, उससे आप कर सकते हैं। तो मैं स्पॉन पे जाता हूँ और अपनी की खोलता हूँ, तो मेरी भाई इतनी अच्छी किस्मत है भाई, मुझे सीधा 10 डायमंड मिल जाते। और आपके पास लाइव प्रूफ है, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की है इस सर्वर के, मैंने क्रेट खोली और मुझे मिला, और ख़राब से अच्छी किस्मत हो ही गई, अच्छी बात है भाई। फिर उसके बाद जो है मैं दूसरी की भी खोलता हूँ, और दूसरी की से मुझे काओ स्पॉनर मिल जाता है। ये भी गैस बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर जो है बुक शेल्फ बनानी होती है एनचेंटिंग के लिए, और एनचेंटिंग करने के लिए भाई बहुत मेहनत लगती है। और गैस अभी आप कहेंगे कि ये तो तुम सिर्फ एक ही पार्ट बना रहे हो, यार मैं इसके सेकेंड भी बनाऊँगा, पूरी इसकी सीरीज़ बनाएंगे, इस सर्वर को डोमिनेट करेंगे गैस, टेंशन ही लेनी है। और मैं एक ही वीडियो के अंदर तो सब कुछ कर नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने कहा यार इसकी पूरी सीरीज़ बनाएंगे। और गैस अगर FireMC वाले देख रहे हो यार, मैं आपको एप्लीकेशन भी दे दूंगा यार, मीडिया की रैंक दे दो। उसके बाद गैस मैं सीधा होम पे आता हूँ /home करके, और अभी आप पैसे देख रहे होंगे मेरे पास 6.5K मनी जो वोट करके मुझे मिला है। और भाई मेरा डायमंड्स चेक करो, पूरे के पूरे 10 डायमंड भाई, अमीरी होगी यार, पूरी अमीरी। खैर अभी उठा ले तुम भाई, क्लीनर ना आ जाए। तो
मैं जो हूँ करता हूँ यार, बहुत खुश हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो है ना मिल जाता है भाई डायमंड। और उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास आयरन और बाकी सारी चीज़ों का जो है मुझे चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसी के बाद जो है मैं देखता हूँ यार कि मेरे पास अब शुगर केन तो है नहीं, तो मैं एक स्टार्टर किट ले लेता हूँ, उधर से जो है मुझे शुगर केन मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी सारी चीज़ों को उतार के ऊपर रख लेता हूँ, उसके बाद स्लैश किट्स करके मुझे जो है स्टार्टर किट मिल जाएगी। अगर आप मर जाते हैं तो 9-7 दिन के बाद आप दोबारा से स्टार्टर किट को जो है क्लेम कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है स्टोन और लेदर का आर्मर होता है और स्टोन के वेपन्स होते हैं, साथ में 64 जो है कोबल स्टोन होता है, और बाकी शुगर केन और कैक्टस भी मिल जाती है आपको, जिसको आप प्लांट करके अपनी पैसे बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो बाद में फिर मैंने जो है प्लांट कर दिया, मैंने कहा यार कैक्टस भी बची है तो मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, इसको भी मैं लगा देता हूँ, पर ये इतनी ज़्यादा नहीं लगती है क्योंकि ये सिर्फ पानी के ऊपर ही लगती है और इसके ऊपर फासला भी होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। जो बचती है वो उसको मैं सेल कर देता हूँ, स्लैश सेल करके जो है एक इन्वेंटरी खुलती है उसको हम लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा पैसे। जैसे कि अभी मैंने 5 कैक्टस को बेचा तो मुझे 525 रुपये मिले। और गैस इसी बात पे यार एक लाइक कर दो, तुम्हारे भाई ने दूसरे दिन के ऊपर ही 10 डायमंड भी ले लिए और आयरन भी ले लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ यार बेस बनाया, लेकिन इसके ना ही क्राफ्टिंग टेबल है, ना ही फर्नेस है, ना ही कोई चेस्ट है, तो मैं कहता हूँ यार ये भी तो चीज़ें लगानी है, तो मैं फिर वो सारी चीज़ें बनाने में लग जाता हूँ। उसी के बाद मेरे जो है फर्नेस भी बन जाते हैं और मैं चेस्ट भी बना लेता हूँ, और इसी के साथ जो है मैंने अपने बेस को भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। बाकी मेरे पास आयरन का, लेदर का मैंने आर्मर पहना हुआ था, तो मैंने कहा यार आयरन का है तो उसी को ही लगा लेते हैं, मैंने उसको लगा लिया। और फिर उसके बाद जो स्टार्टर किट थी उसको जो है मैंने चेस्ट में रख दिया। साथ में गाइस स्टार्टर किट के साथ जो है एक और चीज़ें भी मिलती हैं, खाना और आईओ फेंडर भी मिलती है 3, तो वो भी मैंने ले ली। और बाकी स्टार्टर किट को जो है मैंने अपनी चेस्ट में रख दिया, ताकि बाद में अगर मुझे ज़रूरत हो, वैसे ज़रूरत तो होगी नहीं क्योंकि बहुत ना ख़राब सा सामान है, लेदर का आर्मर और स्टोन की चीज़ें, तो फिर भी मैंने रख दिया, स्टोर कर दिया, क्या ही कर सकता था। उसके बाद जो है मैं जाता हूँ एंडर चेस्ट में, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरी चीज़ें तो सेफ रहना, तो मैं काओ और आयरन और डायमंड को जो है ना मैं रख देता हूँ एंडर चेस्ट में। उसके बाद गैस अभी अगर आप देख रहे होंगे मैं किधर हूँ, तो गैस ये फायर एमसी का स्पॉन पॉइंट है। फिर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा पानी लेता हूँ और अपने घर को चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी बनाना होता है, ताकि मैं जो अपने बेस को पूरा और भी ना बड़ा कर सकूँ, लेकिन उसके लिए पानी भी चाहिए, तो इसलिए मैं 2 बकेट वाटर की लेके आता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं फुली वाटर सोर्स बनाने की तैयारी में लग जाता हूँ, अनलिमिटेड वाटर सोर्स। नीचे बेड रॉक भी आ गया, बाकी अब हमने ये तो कर लिया, अब इसके ऊपर सिर्फ 2 बकेट पानी डालना है। अगर आपको वाटर सोर्स नहीं बनाना था तो आप मेरे इस वीडियो से भी देख सकते हैं, आपने इधर पानी लगाना है और इधर पानी लगाना है, फिर आप चाहे जितनी बकेट भी ले लो पानी का भी ख़त्म नहीं होगा। बस अगर आपने इसके ऊपर ब्लॉक प्लेस कर दिया तो हो सकता है पानी ख़त्म हो जाए, बस 2 ब्लॉक आप 2 ब्लॉक अगर आप इसके ऊपर लगाएं तो पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप बकेट जितनी मर्जी लें, लाख लें, मिलियन लें, कितनी भी लें, पानी का भी ख़त्म नहीं होगा, अनलिमिटेड आपका वाटर सोर्स बन जाएगा। उसके बाद जो है मैं थोड़ा जायज़ा लेता हूँ अपने जो है इस फार्म का, और मैं सोचता हूँ यार सब कुछ तो हो गया, मैं आयरन में भी कवर हो गया हूँ, सब कुछ कवर हो गया हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रखता हूँ। मुझे आपको लेकर वीडियो पसंद है, पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय।